माँ सरस्वती और मेरे सभी गुरुजनों को प्रणाम एंड हार्टली गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हु इज़ नाउ वॉचिंग माई वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल। देखो, आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जब हम क्लास फर्स्ट में थे या उससे भी पहले से ही शुरू हो जाता है कि आर्टिकल के बारे में हमें पता चला कि आर्टिकल होता है ए और आर्टिकल होता है एन और आर्टिकल में ही हमारा दी शामिल होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना होता है, मीन्स उसको हम कहते हैं या तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहते हैं और या कहते हैं नो आर्टिकल। उसका सिंबल या तो एक्स होता है, मीन्स छोटा सा क्रॉस, और या फिर हम उसको सिंबलाइज करते हैं फाई से। ठीक है, यहाँ तक तो बात हुई इसके सिंबल्स की। आगे बात करते हैं डेफिनेशन की कि आर्टिकल होता क्या है। जब आर्टिकल की डेफिनेशन को देखा गया तो पता चला कि आर्टिकल डिटरमिनर होता है। आर्टिकल क्या होता है? एक डिटरमिनर होता है। अब बात आई कि भाई डिटरमिनर क्यों होता है, क्योंकि आर्टिकल हमेशा एक नाउन से पहले लगता है, नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, तो ये एडजेक्टिव क्यों नहीं हुआ? आइए जानते हैं कैसे। देखो, अगर स्टार्टिंग बिल्कुल रूल से हो जाती है कि सिर्फ हमें 100, 50, 200 जो है रूल्स का रट्टा मार लेते हैं, और अगर वही रूल्स और वही एग्जाम्पल अगर हमारे पेपर में आते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनर उनको थोड़ा सा भी चेंज कर देता है तो वहाँ पर आर्टिकल रॉन्ग होने के 100% चांसेस बनते हैं। तो इसीलिए हम अपने टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से और डीपली समझेंगे और हर उस पहलू पर डिस्कस करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। कैसे? कि आर्टिकल के बारे में अगर समझे तो आर्टिकल समझेंगे हम एग्जांपल से। कैसे? कि एग्जांपल लेंगे, आई सा ब्यूटीफुल फ्लावर्स। और क्या देखा? आई सा द ताज। ताज का मतलब समझते हो? जी हाँ, ताजमहल। आगे बात करें कि आई सा अ बुक। और क्या देखा भाई? आई सा गुड बुक्स। देखो, अगर हम एग्जाम्पल पे ही देखें तो क्या करना है, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले लगता है, तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में नाउन को ही फाइंड आउट करना होता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है नाउन को फिल करने का। ठीक है, कैसे? कि आई सा व्हाट? आई सा फ्लावर्स। फ्लावर्स नाउन हुआ, फ्लावर्स क्या हुआ? नाउन हुआ, संज्ञा हुई। ठीक है, और नाउन कैसा था, यानी कि फ्लावर्स कैसे? फ्लावर्स थे हमारे ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल एक ऐसा वर्ड है जिसने नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड किया है, नाउन के मीनिंग में ही कुछ जोड़ दिया है, तो इसीलिए ब्यूटीफुल हुआ एडजेक्टिव। क्या हुआ? ब्यूटीफुल हुआ एडजेक्टिव। ठीक है, अगर हम सेकेंड सेंटेंस देखते हैं कि आई सा द ताज। क्या देखा? सा वर्ड ताज, और ताज से पहले ही जो वर्ड आया है द, क्योंकि इसने भी ताज के मीनिंग में कुछ जोड़ दिया है ना, इसको डिटरमाइन किया है, इसके मीनिंग में कुछ ऐड किया है, तो ये हम समझे एडजेक्टिव। क्योंकि इससे ऊपर वाले एग्जांपल से हमने समझा है कि जब नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है कोई भी वर्ड, तो उस वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाता है। आगे अगर बढ़ें, आई सा अ बुक। क्या देखा? बुक देखा, और बुक कैसी थी? ए। ठीक है, ए का मीनिंग क्या है वो हम आगे इसके जब टाइप्स पढ़ेंगे तब इसको बिल्कुल क्लियरली देखेंगे। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पर ए क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। अगर लास्ट में देखें, आई सा गुड बुक्स। आई सा व्हाट? द बुक्स। बुक्स हमारा हुआ क्या? नाउन, और नाउन बुक्स कैसी थी? तो गुड थी, गुड इन नेचर। और गुड जो वर्ड है वो फॉल करता है हमेशा एडजेक्टिव में। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझ आया कि जो आर्टिकल है उसका प्लेस एडजेक्टिव जैसा ही होता है। आर्टिकल का प्लेस कैसा होता है? एडजेक्टिव जैसा ही होता है। और लेकिन ये एडजेक्टिव काउंट नहीं होते, इसको समझेंगे कैसे? जब हम इन्हीं वर्ड्स पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो, जब हम सिर्फ इन्हीं चार गिवन वर्ड्स पे थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं, थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा सोचें, तो पता लगाएंगे कि क्यों ये एडजेक्टिव नहीं होते हैं। देखो, हमने कहा ब्यूटीफुल, ठीक है, हमने वर्ड लिया ब्यूटीफुल। अगर इसमें कोई भी सेंटेंस गिवन नहीं है, मीन्स ये कोई भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं जो है शो कर रहा है, लेकिन फिर भी अपना मीनिंग तो क्लियर कर ही रहा है। हमें कोई चीज़ सुंदर लगती है, हम क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। मीनिंग क्लियर हो गया। आगे अगर बात करें द,
ठीक है, अगर आगे बात करें द, लेकिन द से तो कोई भी मीनिंग क्लियर नहीं हुआ। ऐसे ही अगर हम कहें ए, तो ए से भी कोई मीनिंग अपने आप में क्लियर नहीं हुआ। और अगर कहें गुड, तो गुड मीन्स होता है अच्छा। यहाँ से हमें पता चला कि गुड का जो है अपने आप में एक क्लियर और एक जो है कंप्लीट मीनिंग है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि जो एडजेक्टिव है, कि जो एडजेक्टिव वर्ड होता है वो क्या दिखाता है, वो क्या शो करता है, कि ऐसे मीनिंग जो अपने आप में क्या है कंप्लीट होते हैं, जो इंडिपेंडेंट मीनिंग शो करते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव, है ना। जो नाउन से पहले आते हैं और उनका मीनिंग हमेशा क्या रहता है, इंडिपेंडेंट होता है। और ऐसे वर्ड्स, ठीक है, ऐसे वर्ड जो नाउन से पहले तो लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होता, उन्हें अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जो है नाउन का सहारा और जो है बाकी सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है डिटरमिनर। उन्हें क्या कहा जाता है, डिटरमिनर। तो इस प्रकार से जो हमारा आर्टिकल है वो क्या हुआ, एक डिटरमिनर हुआ। आर्टिकल क्या हुआ, डिटरमिनर हुआ। और डिटरमिनर क्या करते हैं, डिटरमिनर का फंक्शन होता है किसी भी गिवन नाउन को डिटरमाइन करना। तो यहाँ से तो हमें पता चला कि जो आर्टिकल वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। आगे बात करें अगर आर्टिकल की टाइप्स की, तो हमें पता है कि दो टाइप के आर्टिकल जो है हुआ करते हैं। कौन कौन से आर्टिकल की अगर बात करें टाइप की, तो आर्टिकल की टाइप हमेशा क्या होती है, टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट होती है इनडेफिनेट आर्टिकल, फर्स्ट होती है इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, जिसको शो करने के लिए हम क्या कहते हैं, या तो हम ए का यूज़ करते हैं और या फिर एन का, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल वो होते हैं जो ए या एन लिखा होता है। आगे हम बात करें सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप होती है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। सेकंड वन इज डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं द। तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, द। देखो जैसे इसके नेम से भी सजेस्ट हो रहा है कि डेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जो अपने आप में फिक्स होते हैं, जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है और जो चेंज नहीं होते हैं। अगर आगे बात करें इनडेफिनेट आर्टिकल की, तो इनडेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जो डेफिनेट नहीं है, जो फिक्स नहीं है, जो स्पेशल नहीं है, ठीक है, और जो क्या है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। आगे अगर समझे, देखो वैसे ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक जो लर्नर्स हैं उनके माइंड में एक बात आती है कि एक वर्ड है टी एच ई, ठीक है, वर्ड गिवन है टी एच ई, तो इसको हम प्रोनंशिएट कैसे करेंगे, द या फिर दी, हम इसको कैसे प्रोनंशिएट करेंगे। तो देखो सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बता दिया जा रहा है, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आता है। कैसे, कि जब भी कोई गिवन वर्ड, ठीक है, जब भी कोई गिवन वर्ड है और उससे पहले अगर आपको टी एच ई लिखा मिलता है, तो हम उस वर्ड को प्रोनंशिएट करके देखेंगे, उस वर्ड को बोलकर देखेंगे। अगर उसकी जो फर्स्ट साउंड है, अगर उस लेटर की फर्स्ट साउंड, ठीक है, कैसी होती है, कॉन्सोनेंट होती है। अगर उसकी फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट है, मीन्स अगर उसकी साउंड व्यंजन की है, तो हम उसको प्रोनंशिएट करेंगे द या द, ठीक है। दूसरी बात ये है कि दी कब बनता है, यानी कि टी एच ई को हम दी कब बोलते हैं, जब भी कोई गिवन वर्ड है और उसकी इनिशियल साउंड अगर वाउल की है, अगर उसकी इनिशियल साउंड वाउल है, मीन्स वाउल साउंड अगर जो है गिवन है, यानी कि वाउल साउंड इनिशिएट हो रही है, ठीक है, तो जनरेट हो रही है, तो हम वहाँ क्या करेंगे कि टी एच ई को दी प्रोनंशिएट करेंगे, ठीक है। और दी एक और भी तरीका होता है दी को बोलने का, वो ये रहता है कि जब भी चाहे कोई भी वर्ड अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से भले ही स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन अगर उस नाउन पे स्ट्रेस दिया जा रहा होता है, अगर उसको हाईलाइट कर रखा होता है, तो वहाँ भी हम दी का ही जो है प्रोनंशिएट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाले हैं। आगे अगर हम बात करें, वापस से आ जाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन, हमारा सिर्फ एक ही हमेशा से जो है बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं कि सिर्फ एक चीज़ के सामने लगता है, सिर्फ एक नाउन के सामने लगता है। यानी कि जब हमें कहना होता है कि कोई भी नाउन, कोई भी नेम जब सिंगल इन नंबर होता है, तो आइए जानते हैं कि कैसे।
देखो इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ हमेशा, क्योंकि भाई नाउन का यूज़ हमेशा, सॉरी जो आर्टिकल है उसका यूज़ हमेशा नाउन से पहले होता है। तो ऐसे नाउन ठीक है जो कॉमन होते हैं, जो ऐसे नाउन जो कॉमन हो, दिखने में कॉमन हो, प्रॉपर नहीं हो, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, जनरल व्यू है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि साधारण एक कॉमन सा व्यू है। हालांकि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो इनसे कहीं अलग होते हैं, उन पे भी डिस्कस करेंगे। देखो कैसे कि नाउन कैसा हो, नाउन कॉमन होना चाहिए, और नाउन कैसा हो, काउंटेबल हो। नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल, यानी कि ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकें कि वो सिंगल इन नंबर है या सिंगल से ज़्यादा, यानी कि वन इन नंबर और मोर देन वन इन नंबर, ठीक है। तो उसको हमने काउंट किया तो वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए। और या फिर इसी के बारे में बात करें तो काउंटेबल नाउन दो टाइप के हुए, एक जो एक हुआ और एक वो एक से ज़्यादा हुए। तो हम किसको लेंगे, सिर्फ एक वाले को, ठीक है, यानी कि वो सिंगुलर भी होना चाहिए। तो ए और एन के बारे में हमने समझा कि ए और एन आर्टिकल सिर्फ उन्हीं नाउन से पहले आते हैं जो कैसे होते हैं, कॉमन हो, काउंटेबल हो और सिंगुलर हो। आइए समझते हैं इससे और आगे कैसे, जब हम बात करते हैं आर्टिकल के टॉपिक की तो ये हमेशा क्या है कि हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो एग्ज़ाम किसी भी लेवल का हो, चाहे आप किसी भी जॉब का एग्ज़ाम देते हो, चाहे स्कूल लेवल में दो, चाहे आप कॉलेज के लिए दो या फिर जॉब ओरिएंटेड, हमेशा ये आर्टिकल का आपका टॉपिक 1 से 3 मार्क जो है सिक्योर करता है। दूसरी अगर बात की जाए कि ये पूछे कैसे जाते हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम में आर्टिकल पूछने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से, आपका जो फर्स्ट है वो रहेगा कि आपको कोई भी सेंटेंस गिवन होगा, ठीक है, और वहाँ उसमें कहीं भी एक ब्लैंक गिवन होगा, उस ब्लैंक में आपको फिल करना है कि आप यहाँ पर आर्टिकल फिल करें, ए करेंगे, एन करेंगे या कोई आर्टिकल फिल नहीं करेंगे, या आप डेफिनेट आर्टिकल दी फिल करेंगे। सेकेंड जो टाइप बनती है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकेंड टाइप बनती है कि कैसे पूछा जाता है, तो वो हो सकता है कि आपको कोई भी सेंटेंस गिवन हो, ठीक है, कोई भी सेंटेंस गिवन होगा और उसके पार्ट कर रखे होंगे और आपको जो है ए बी सी और डी, और हो सकता है कहीं कहीं ई भी होता है क्योंकि बैंकिंग में जो है ई तक भी आते हैं। तो क्या करेंगे, इनमें से किसी एक पार्ट में एरर होगा, ठीक है, किसके रिगार्डिंग, आर्टिकल के टॉपिक में से, ठीक है, तो हमें उसे क्या है फाइंड आउट करना है, यानी कि ये आपका सेकेंड टाइप बनती है एरर डिटेक्टिंग वाले पार्ट में, ठीक है, कि हमें एरर फाइंड आउट करना है। ये तो बात हुई क्वेश्चन पेपर की। अगर देखो आगे बात की है हमने, क्योंकि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और बचपन से ही हम किताबों से यही सीखते आ रहे हैं कि ए और एन का यूज़ हमेशा क्या है, कॉमन, काउंटेबल, सिंगुलर नाउन के रूप के लिए होता है। तो यहाँ से इसका एक मीनिंग निकल कर आता है कि इसको हम कहते हैं ए, इसको कहते हैं ए। लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये हमेशा सिर्फ एक के लिए यूज होता है या इससे कहीं आगे, तो उसके लिए हम समझेंगे एग्जाम्पल को, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने समझा क्या कि एग्जाम्पल लिया आई सा अनिल टुडे, आई सा अनिल टुडे, ठीक है, और एक इसी को अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और कहा जाए कि आई सा एन अनिल टुडे, आई सा एन अनिल टुडे, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे गिवन होता है, बिल्कुल आप जो भी बातें होंगी, ठीक है, जो भी डिस्कशन होगा वो डायरेक्ट आपके जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होगा। कैसे कि फर्स्ट सेंटेंस आपको गिवन है आई सा अनिल टुडे, मैंने आज अनिल को देखा, और इसमें हमने पाया कि यहाँ पर जो है कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा आई सा एन अनिल टुडे, मैंने आज अनिल को देखा, तो यहाँ से क्या आप ये मान लेंगे कि जो एन है वो एक है, क्योंकि ए और एन के बारे में हमने आज तक सीखा है कि ए और एन सिर्फ एक को बताते हैं, जैसे कहा कि आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर इसका मीनिंग कुछ अलग है, और अलग है तो यहाँ पर ये लगा भी क्यों है। दो बातें, देखो पहली बात तो हम बिल्कुल ये जानेंगे कि प्रॉपर नाउन से पहले जब किसी पर्सन का नेम गिवन होता है उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। आर्टिकल क्यों नहीं लगता है, ठीक है, ये भी तो एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए ना, ठीक है, तो क्यों। और दूसरे में हमने देखा कि एन आर्टिकल लगा है, और दोनों ही सेंटेंसेस अपने आप में बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई करेक्शन नहीं है। तो रूल हमारा ये बनता है कि जब कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता,
तो इसका मतलब ये है जब किसी पर्सन के नेम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता तो इसका मतलब ये है कि वो स्पीकर और लिसनर, बोलने वाले यानी कि जो स्पीकर होता है और जो लिसनर होता है सुनने वाला, वो दोनों ही उसको जानते हैं। या फिर हो सकता है रिटन फॉर्म में तो जो राइटर है और या फिर जो रीडर है, उन दोनों को उसके बारे में अच्छी नॉलेज है, वो दोनों ही उसको जानते हैं। कैसे? फर्स्ट एग्जांपल का, आई सा अनिल टुडे, मैंने अनिल को देखा आज, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये परिचित है, कहने वाले को भी, ठीक है, कहने वाला भी इसको जानता है और सुनने वाला भी जानता है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए आई सा एन अनिल टुडे, एन क्यों आया है? क्योंकि ये साउंड वेव्स, ठीक है, वो हम जानेंगे अपने टाइप में आगे कि देखो आई सा एन अनिल टुडे, तो इसका मतलब यहाँ एन का मतलब एक नहीं है, यहाँ एन का मतलब है कोई, और कोई हम सिर्फ उसी को कहते हैं जिसको हम जानते नहीं हैं, ठीक है। बात समझ आई, क्लियर हुआ कि जब हम किसी पर्सन को जानते नहीं हैं और उसको, उसके बारे में हमें किसी और को बताना पड़ता है, तो हम क्या कहेंगे कि कोई अनिल मिला था। यहाँ बातें क्लियर हो जाती है और एग्ज़ाम में इसी टाइप से आता है। बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि यहाँ पर नेम से पहले आर्टिकल नहीं लगा होता, ठीक है, नहीं लगाना होता, ये हमने आज तक बुक से पढ़ा है। इसी टाइप का एक एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं कि क्या प्रॉपर नाउन में पर्सन के नेम से पहले क्या कोई आर्टिकल नहीं आता? क्यों नहीं आता, ये हमने सीख लिया, क्योंकि वो परिचित होता है। और क्या सिर्फ ए या एन ही आता है या दी आता है, और वो क्यों आता है? देखो अगर अगला एग्जांपल लें तो हम कहें ही इज, डैश लगा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, शेक्सपियर, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड रहेगा ही इज डैश शेक्सपियर, ठीक है। अगर इसी का हम जो है थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो हम किताबों से शायद रटते भी आ रहे हैं उसी बात पे लेकर चल रहे हैं, क्या अगर ये कह दिया जाए कि कालिदास इज डैस शेक्सपियर, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो देखो, तो तीनों ही अगर हमारे एग्जाम में ऐसे गिवन होते हैं, एग्जाम में जो भी नाउन होता है, चाहे हम किसी भी पॉइंट पे बातें कर रही हूँ, ठीक है, अगर हमें जो है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि मॉर्फोलॉजी में हमने जो है कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच करना हो, तो हम नाउन को कभी चेंज नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं आर्टिकल के केस में, ही इज़ शेक्सपियर, ये भी ठीक है, हमने कहा कि वो शेक्सपियर है। कैसे? कि शेक्सपियर की जो है पिक्चर लगी हुई है, क्योंकि अब तो वो डेड हो चुके हैं वैसे ऑलरेडी, वी ऑल नो, लेकिन क्या है कि अगर उसकी पिक्चर गिवन है और हम क्या कहेंगे कि वो शेक्सपियर है, ठीक है, उसके सामने कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। या हम इसको एक्स लिखें या फिर इसको फाइव भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। आगे अगर बात करें, अगर हम कह दें अगर यहाँ ऐसे गिवन होता कि ही इज़ ए शेक्सपियर, तो क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। हमने क्या कहा कि ही इज़ अ शेक्सपियर, वो एक शेक्सपियर है। ये कब कहते हैं? जब हम शेक्सपियर की क्वालिटी किसी और इंसान में देखते हैं लेकिन उसका कंपेयर नहीं करते हैं। बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, क्या कहा गया है कि जब हम किसी एक नाउन की दूसरे नाउन में क्वालिटी देखते हैं, ठीक है, और उसको उस नाम से पुकारते हैं, तो वहाँ पर वो कॉमन हुआ और वहाँ पर सिर्फ ए या एन ही यूज़ होता है। कब? जब उसका कंपेयर कहीं भी नहीं कर रखा होता है, क्योंकि ये यहाँ पर शय से शुरू हो रहा है, ठीक है, व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड से इसका इनिशिएट हुआ है, तो सिर्फ ए आएगा। आगे बात करते हैं, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब कालिदास, यहाँ पे चाहे आपको कालिदास गिवन हो, आजकल कालिदास नहीं दिया होता है, आजकल कोई भी नाम गिवन हो सकता है, इंडिया की जगह हो सकता है, क्लास दे दें, कॉलेज दे दें, ये सब। तो अगर यहाँ पर ऐसा भी होता है कि ही इज़ शेक्सपियर ऑफ आर क्लास, तो यहाँ पर तब भी क्या करते हम? द फील करते। और ऐसा इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर कंपेयर किया गया है, यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, और कालिदास को अब ये यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर नाउन नहीं है, ये यहाँ पर एज ए कॉमन नाउन यूज़ हुआ है। ये भी कॉमन नाउन यूज़ हुआ है जहाँ पर किसी एक, ठीक है, मेल को
शेक्सपियर कहा गया, लेकिन वहाँ पर किसी के साथ उसका कंपेयर नहीं हुआ था। थर्ड वन में कंपेयर हुआ है तो हम यहाँ पर दी फिल करेंगे। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। एक और जो है दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अगर हम कहें कि हमारे जो एटीट्यूड होता है किसी चीज़ को जानने का, किसी चीज़ को परखने का, समझने का, तो वो दो टाइप से होता है। कैसे? कि या तो हम अपने नज़रिए से दुनिया देखें और या फिर हम दूसरे के नज़रिए से देखें। तो जब भी बात होती है एग्ज़ाम की तो हम क्या करते हैं कि अपने टाइप से ही देखते हैं चीज़ों को, और क्या मान लेते हैं कि हमें तो ये आर्टिकल सही लग रहा है इसलिए हम इस आर्टिकल को चूज़ करेंगे, और वो वहाँ पे गलत हो जाता है। इसीलिए देखो, अगर व्यू की बात करें तो दो टाइप से व्यू बनता है। एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। एक क्या होता है? सब्जेक्टिव, ठीक है, और एक क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। यहाँ ऑब्जेक्टिव का मीनिंग ABCD बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखो, बात करें सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू वो होता है जिसमें हम क्या है अपनी तरफ से चीज़ों को देखते हैं, जहाँ पर हम अपने आइडियाज़ देते हैं। और जो हमारे इंग्लिश ग्रामर है, जो हमारे क्वेश्चन पेपर में मिलती है, वो क्या होती है? ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ ABCD ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का मीनिंग ABC या डी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो एग्जामिनर चाह रहा है, कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें आर्टिकल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। एग्जामिनर क्या चाह रहा है, उसने क्या दिया है और क्यों दिया है, उसी जो है पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। देखो, वापस आते हैं, हमने बात की भाई ए और एन दोनों का मतलब, ठीक है भाई ये एक के लिए होता है, कोई बात नहीं, या फिर हमने पढ़ा कि शायद ये कोई के लिए भी होता है, ठीक है, ये एक को भी दिखाता है और ये किसी अननोन पर्सन के लिए भी होता है। तो लेकिन ए का मतलब भी वही है, एन का मतलब भी वही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है साउंड का, कि अगर गिवन वर्ड की इनिशियल साउंड देखने में नहीं, बोलने में, हम उस वर्ड को बोल कर देखेंगे, ठीक है। अगर किसी वर्ड की इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके लिए ए वर्ड का यूज़ होता है, और अगर कोई साउंड वाउल साउंड है, ठीक है, अगर वाउल साउंड है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब ए को आप ए भी बोल सकते हो, ए भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे देखो, बिल्कुल डायरेक्ट अब हम उन्हीं जो है एग्जाम्पल्स को फॉलो करने वाले हैं, उन्हीं आइए डायरेक्ट आप देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा ही कि कैसे किसी वर्ड को जब हम प्रोनंशिएट करते हैं तो वो वाउल या फिर कॉन्सोनेंट साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है उसमें। तो देखें, वर्ड हमारे सामने क्या आया यूनिट, क्योंकि इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का यूज़ होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल में होता है ए और एन, ठीक है, ए और एन, और दोनों ही बातें बिल्कुल सेम है, दोनों के लिए रूल बिल्कुल सेम है, लेकिन साउंड पे दोनों चीज़ें अलग हो जाया करती हैं। कैसे? कि अगर कोई भी गिवन वर्ड और अगर वो इनिशियल उसके साउंड कॉन्सोनेंट होती है तो हम ए का यूज़ करते हैं। मीन्स ए में कब यूज़ करते हैं? जब साउंड कॉन्सोनेंट होती है, यानी कि साउंड कैसी हो? व्यंजन की। साउंड कैसी हो भाई? व्यंजन की ध्वनि हो, ठीक है। और एन का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमारी साउंड कैसी हो? वाउल साउंड। जब हमारी साउंड हो वाउल साउंड, जब साउंड हो स्वर की। अब बात करते हैं कि वाउल होते क्या हैं। तो हमने आज तक पढ़ा है कि 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ठीक है, और उनमें से जो है 5 हमारे वाउल होते हैं। देयर आर 5 वाउल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, और कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। और जो 21 कॉन्सोनेंट्स रह गए वो रह जाते हैं इन 5 को छोड़कर, बाकी जो भी रह गए, जिसमें क्या रहा है हमारा B, C, D, ठीक है, Z तक। ये तो हमने समझा कि उनको देखने के लिए, ठीक है, कि वो दिखते कैसे हैं, लेकिन हमें देखना नहीं है, हमें क्या करना है? उस वर्ड को प्रोनंशिएट करना है, उस वर्ड को बोल कर देखना है। बोलने में जो स्वर, जो हिंदी वाले स्वर होते हैं ए, आ, ई, ठीक है, ये सारे, अगर बोलने में स्वर आए तो हमारा होता है वाउल साउंड, ठीक है, नॉट वाउल लेटर। बात करें वाउल साउंड की, कैसे? कि हमने देखा वर्ड यूनिट है, ओके, और यूनिट के सामने जब हम इसको बोलते हैं तो जो पहली ध्वनि आई वो किसकी आई? य, क्योंकि हमने क्या कहा? यूनिट।
यह किस में आता है? यह स्वर में तो नहीं आता, हिंदी के स्वर में तो नहीं आता, किस में आता है? व्यंजन में आता है, यह रे ले वे, है ना। तो इस बेस पे क्या हुआ कि ये यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, क्योंकि इसके साउंड व्यंजन के साउंड है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ए यूनिट। सेकंड देखें यूरोपियन, ये वाला जो यूरोपियन वर्ड है ना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। लेकिन आजकल जो पूछा जा रहा है यूरोपियन वर्ड, वो थोड़ा सा चेंज करके पूछा जा रहा है। पहले बात करेंगे पहले वाले पे, ठीक है। आजकल कैसे हैं वो जब हम डायरेक्ट जो है एक्सरसाइज करेंगे तब देखेंगे। यूरोपियन क्योंकि इसकी जो इनिशियल लेटर है, जो दिखने में जो लेटर है वो ई है, और ई के बारे में हमने समझा कि ई क्या होता है, वाउल होता है, ए ई आई ओ यू, ये वाउल हुए, और उसी के बेस पे हमने मान लिया कि ये यहाँ पर वाउल है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम इसको बोलकर देखते हैं तो यहाँ पर ये य की साउंड देता है, और इसीलिए हमारा आर्टिकल लगा ए, ठीक है, आर्टिकल लगा ए। आगे लिखा है ई डब्ल्यू ई, ई डब्ल्यू ई, और ये यू होता है। इसको जब हमने प्रोनंशिएट किया इस वर्ड को, तो ये होता है यू, ठीक है। और यहाँ पर ई के बारे में आप जो है कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो कि आपको कौन जो है वाउल लेटर दिया है, नहीं, हमें उसको बोलकर देखना है, हमें उसकी साउंड देखनी है। तो साउंड के बेस पर यू क्या हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ, और कॉन्सोनेंट की वजह से हमने प्लेस किया ए, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये जो वर्ड है ये दिखने में भी वाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, दिखने में भी वाई से स्टार्ट होता है। इसका मतलब होता है हिंदी में जो हम बात करते हैं वर्ड्स, हिंदी में हम जो बात करते हैं साल की, ये वही होते हैं, लेकिन हम बोलते क्या हैं, बोलते हम इसको ईयर है, क्या बोलते हैं जनरल में हम इसको ईयर बोलते हैं, जबकि ईयर तो कान होते हैं, ये कभी भी ई से स्टार्ट नहीं होता है। ये हम सब इसको गलत प्रोनंशिएट कर लेते हैं, बहुत बार करते हैं, हम कहते हैं देर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, ठीक है। रियल में ये होता क्या है, रियल में मेरे भाई ये ईयर होता है, ठीक है, ये यहाँ पर यह बोला जाता है, दिखने में भी वाई है, ठीक है, और ये बोलने में भी वाई, हमने मेन जो है इसको प्रोनंशिएट करना है, तो उसमें हमने पाया कि जैसे इसके साउंड जो है वो इनिशिएट हो रही है, तो इसी के बेस पे हमने इसमें आर्टिकल लगाया ए का। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक वर्ड है यूनिफॉर्म, वर्ड क्या है हमारे, यूनिफॉर्म। स्टार्टिंग भले ही हमारी जो है वाउल लेटर से हो, लेकिन इसके साउंड जब प्रोड्यूस की तो हमने पाया कि ये से स्टार्ट हो रहा है, और इसीलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल लगाया ए का, ठीक है। नॉट ए बिग डील, ये तो आसान था, थोड़ा सा ईयर को आप अच्छे से प्रोनंशिएट करें, अगर आप इसको ईयर बोलते हैं तो होता क्या है, ईयर होता है। आगे बढ़ते हुए आगे दिखा हॉर्स, ठीक है, हॉर्स क्योंकि ये है से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा इसमें जो है आर्टिकल आएगा ए। आगे एक वर्ड आया ऑनेस्ट, आगे वर्ड क्या आया, ऑनेस्ट। तो यहाँ पर एक रूल दूसरा ये कहता है कि चाहे भले ही कोई वर्ड, चाहे भले ही गिवन वर्ड वाउल ना दिखकर कॉन्सोनेंट दिखे, ठीक है, कि चाहे भले ही जो गिवन वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, उसका दिखने का पहला लेटर भले ही व्यंजन हो, लेकिन जब हम उसको बोल कर देखें तो उसके साउंड पे डिपेंड करता है कि वो क्या है। जब हमने इस वर्ड को बोला तो हमारे सामने कुछ ऐसा आया कि हम इसको बोलते हैं ऑनेस्ट, ठीक है, और ओ आने के कारण हमने इसमें यहाँ पर मार्क कर दिया एन, सही है। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से पढ़ना। आगे लिखा है वन आइड मैन, ठीक है, हो सकता है या आपको सिर्फ वन वर्ड गिवन होता, ठीक है, लेकिन मैंने पूरा ही ले लिया, क्यों, क्योंकि आगे इसको हम रिलेट करने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखना, बातें की क्या कि मैन, एक ऐसा मैन कैसा जिसकी वन आइड है, बात करें स्पेशली वन, ठीक है, ये दिखने में ओ से स्टार्ट है, लेकिन जब हमने इसको बोला तो कुछ ऐसे हमने कहा कि वन, और इसकी जो फर्स्ट साउंड जो जनरेट हुई, ठीक है, वो आई वे की, और वे की साउंड आने के कारण यहाँ हमने प्लेस कर दिया ए को। यहाँ पर मैं इसको जो है हैशटैग कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे अगर हम बात करें, इसी को यहाँ लिखा गया है वन, क्योंकि यहाँ पे हमने वे की साउंड इसमें प्रोड्यूस की है, तो यहाँ पर इसमें ए आर्टिकल आ गया, कोई बड़ी बात नहीं हुई। आगे बात करते हैं मैन की, और मैन का जिक्र करेंगे जब हम इसके एग्जांपल देखेंगे, मैन का जिक्र करेंगे जब हम इसके एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि हमारा एक जो है दिमाग में बैठी हुई है कि मैन के सामने कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन हम मैन के सामने ए भी लगाएंगे और मैन के सामने दी भी लगाएंगे, जी हाँ, और वही
और वो ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। लेकिन यहाँ अगर हम इसको सिर्फ बोल कर देखिए, मैं साउंड है तो मैं के लिए हम ए यूज़ करेंगे, क्लियर है, मैं के लिए हम यूज़ करेंगे क्या ए। आगे बात करते हैं ड्रिंक। ड्रिंक एक ऐसा वर्ड है जो शायद आपको देखने में कोई नाउन ना लगे, आपको वर्ब दिखाई देता है, नाउन ना लगे आपको क्या दिखाई देता है कि ये तो कोई वर्ब है। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। जी हाँ, बिल्कुल वही ड्रिंक है। इसको भी हम समझेंगे जब हम एग्जाम्पल करने वाले हैं, जब हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, इसको भी ध्यान में रखना। तो क्योंकि ये यहाँ पर जो है डैश से स्टार्ट हो रही है इसकी साउंड, तो इसके लिए हमने क्या किया, ए ड्रिंक। आगे बढ़ते हैं, आगे वही यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी हम सब जानते ही हैं, है ना। तो यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट साउंड है, हमने इसको ये नहीं देखना कि ये यू से स्टार्ट हो रहा है, हमने इसको बोल कर देखना है। और बोलने पर हमने पाया कि यहाँ इसकी जो इनिशियल साउंड है वो ये है, और इसी के बेस पे हम ए लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी भी हमारे लिए बहुत बहुत यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ एक वर्ड गिवन नहीं होता एग्ज़ाम में कि आपको यूनिवर्सिटी दे दिया और आपने ए भर दिया। यूनिवर्सिटी के भाई जो एग्जाम्पल आते हैं ना, वो दिमाग घुमा देते हैं, बिल्कुल। हम पढ़ेंगे इसको बड़े तसल्ली से। आगे देखो, आगे लिखा है हिस्टोरिकल फैक्ट। क्या लिखा है, हिस्टोरिकल फैक्ट। और हमने पाया कि इसकी जो इनिशियल साउंड है वो क्या है, है। तो है के बेस पे ही हमने यहाँ पर लिख दिया ए, बात सही हो गई। आगे बढ़ते हैं, वन एग्जाम्पल। वन एग्जाम्पल, यहाँ आके बात अटक जाती है, यहाँ आके बात अटक जाती है। क्यों अटक जाती है, क्योंकि हमने अब तक तो सिर्फ साउंड बेस पर रहे थे कि कहाँ ए आएगा कहाँ एन आएगा। तो यहाँ पर अगर आर्टिकल की बात करें तो कौन सा आर्टिकल आएगा भाई, यहाँ पे कोई आर्टिकल आएगा ही नहीं, ना तो यहाँ पर ए आएगा और ना ही यहाँ पर एन आएगा। एन तो वैसे भी नहीं आना था, क्योंकि इसको साउंड अगर हम पढ़ते हैं तो वह है ना, ऐसा ही कुछ है। अब क्यों नहीं आएगा, उसका रीज़न ये है क्योंकि ए और एन भी क्या मीनिंग देते हैं, वन इन नंबर, एक का। और हमने क्या पाया है कि वन व्हाट, जब हमने क्वेश्चनराइज किया व्हाट का, तो आंसर आया एग्जाम्पल। आंसर क्या आया, एग्जाम्पल। तो इसके तौर पे एग्जाम्पल हमारा जो है नाउन हुआ, ठीक है। और नाउन पहले ही बता रखा है कि एग्जाम्पल क्या, वन। जब हमें वन इन नंबर ऑलरेडी गिवन होता है तो उससे पहले ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता, मीन स्पेशली हम एन का यूज़ नहीं करते हैं। और ये वो एग्जाम्पल है भाई जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। अब एग्जाम्पल जो है, एग्ज़ाम में वन आइड मैन बहुत पीछे रह चुका है, ठीक है। वो सिर्फ एग्जामिनर ये दिखाना चाहता है कि स्टार्टिंग भले ही ओ से हो लेकिन बोला वैल से जाता है, लेकिन अब उस वन को ही बहुत बार चेंज करके दिया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, हमें ये देखना है कि नाउन, नाउन को पहले डिटरमाइन कर रखा है कि वो संख्या में एक है, तो उससे पहले हम ए या एन नहीं लगाएंगे। इसी से रिलेटेड एक दूसरा जो है देखते हैं हम एग्जाम्पल, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। इसमें लिखा है कि 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि वन ऑलरेडी गिवन है, 100 से पहले तो आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन मेरे भाई इसमें आर्टिकल ए लगेगा, इसमें आर्टिकल ए लगेगा। ए क्यों लगेगा, एन क्यों नहीं लगेगा, वो तो हम पहले ही जान चुके हैं, क्योंकि एन कब लगता है, जब कोई भी वाउल साउंड होती है। ए लगेगा जब कॉन्सोनेंट साउंड होती है। और वन गिवन है, फिर भी हम ए यहाँ पर क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, एक नोट दे रखा है, ठीक है। पैसों की बात चल रही है, हमें क्या है, एक नोट गिवन है। और नोट किस चीज़ का है भाई, मेरे भाई 100 रुपये का नोट है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये तो 100 रुपये है, ये तो 100 रुपये है, ये 100 रुपये नहीं है, ये 100 रुपये है। जब हम इसको हिंदी में देखते हैं ना, तो हिंदी में कुछ ऐसे लिखा होता है कि ये 100 है ना। आप इस एक को यहाँ भुला नहीं सकते, आप 100 से पहले वन को भुला नहीं सकते, ये सारा एक ही यूनिट है, ये सारा एक नोट के बारे में बता रहा है, इसलिए हम इससे पहले प्लेस करेंगे ए आर्टिकल। वन वाले बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक बार भी समझ में ना आए तो वीडियो को दो बार देख लेना, आपकी वीडियो आपके पास। आगे अगर बात करें FIR, और FIR से एक नया रूल निकल कर आता है कि जब भी शॉर्ट फॉर्म में गिवन होता है, जब भी एब्रिविएशन यूज़ कर रखी होती है, तो हम क्या करेंगे, उसको भी बोल कर ही देखेंगे। हमने क्या कहा, F, बात यही ख़त्म हो जाती है कि क्या कहा, हमने कहा F, ठीक है। ये आने के कारण यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन आर्टिकल प्लेस करेंगे, ठीक है, क्लियर हुई बात। आगे अगर हम देखें ऐसे ही कि हर एक शॉर्ट फॉर्म के सामने एन नहीं लगता है, हमें क्या करना है, बोल कर देखना है। जैसे हम कहें एल एल बी,
जब हमने बोला एल एल बी, दिखने में तो ये क्या है भाई, दिखने में तो ये कॉन्सोनेंट लग रहा है, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं एल, हम बोल क्या रहे हैं एल, तो इसी ए के बेस पे हम यह लगाएंगे एन। ठीक है जी, बात इजी हुई। अब देख लेते हैं इसको थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है, कि एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है। एक एग्ज़ाम्पल लेंगे कि अगर मान लीजिए एग्ज़ाम्पल दे रखा होता है एम पी, ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है एम पी, हमने इस एम को बोला और पाया कि ये तो यहाँ पर वाउल साउंड है और हमने प्लेस कर दिया एन, चलो जी बात सही हो गई। लेकिन अगर जब कभी भी एग्ज़ाम में आपको एब्रीविएशन यूज़ ना कर रखी हो, यानी कि आपको एब्रीविएशन गिवन ना हो और उसकी फुल फॉर्म गिवन हो, अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गिवन होता, अगर यहाँ पे अगर आपको गिवन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, है ये भी एम पी, है ये भी एम पी, लेकिन अगर आपको कंप्लीट वर्ड गिवन है तो हम उसको बोलकर देखेंगे। एक ही रूल है ए और एन को अलग अलग करने का, डिस्टिंग्विश करने का, ठीक है, उनको जो है सेपरेट करने का एक ही रूल है उनको डिस्टिंग्विश करने का, कि हम उसको बोलकर देखेंगे। अगर वाउल साउंड है तो हम एन लगाएंगे, अगर वहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि मेम्बर, ठीक है, यानी कि मैं, हमारी साउंड प्रोड्यूस हुई तो उसके बेस पर हम लगाएंगे ए आर्टिकल। ये तो बात थी, वो एग्जाम्पल हुए जहाँ पर हमें ए और एन में से देखना था क्या लगेगा। आइए अब देखते हैं कि डायरेक्ट एक्सरसाइज में कि कैसे कोई सेंटेंस गिवन होता है उसमें हम क्या आर्टिकल फिल करने वाले हैं, कैसे पूछे जाते हैं और कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारी ये जो एक्सरसाइज होने वाली है, हो सकता है यहाँ पर आपको एरर फाइंड करना हो सकता है कि गलतियाँ छाटे, हो सकता है कि आपको फिलअप दे रखा है वो फिल करने हैं, और उसमें क्या फिल करेंगे आप, कि उसमें आप इनडेफिनिट आर्टिकल भी फिल कर सकते हैं और उसमें आप जो है डेफिनेट आर्टिकल भी फिल कर सकते हैं, और एक और कैटेगरी बचती है जिसमें हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, मीन्स ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि किया तो हमने इनडेफिनेट आर्टिकल है, लेकिन हमने वो भी तो एक मिक्स तरीके से किया है ना, ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है देखने का। देखो आपका जो एग्जाम्पल दिया गया है 1, 2, 3 और 4, आपके जो चार आपके सेंटेंसेस गिवन हैं इनमें आपको एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है, इनमें आपको जो है इसमें जो गलत लिखा है वो क्यों लिखा है वो हम समझेंगे। कैसे, आपका फर्स्ट इज गिवन अ बुक ऑफ ए, सॉरी अ पेज ऑफ ए बुक, कि एक बुक, एक पुस्तक का एक पेज, दो बातें सामने आई, एक वो जो हमें सही लगती है, ठीक है, और एक वो जो हमें सही भले ही लगती है लेकिन वो गलत हो जाया करती है, कब, जब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। तो भाई ये सारे एग्जाम्पल जो भी दिए गए हैं ना, ठीक है, ये सारे हम देखेंगे एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने से हमें कुछ नहीं देखना है, ठीक है, इमोशनल होने से कभी भी हमारा जो है एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। देखो कैसे, अ बुक ऑफ ए पेज, अ पेज ऑफ ए बुक, ये यहाँ पे गलत गिवन है, ये यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी गलत है, और गलत क्यों है, क्योंकि चलो एक बुक बना लेते हैं भाई, समझने के लिए एक पुस्तक बना लेते हैं, पुस्तक हुई कुछ ऐसे, ये हुए पेजेस, ये हुई पुस्तक, ये हुआ राइटर, बुक ओके है, चलो जी। देखो बात करते हैं अ पेज ऑफ ए बुक, एक पुस्तक का एक पेज, अब यहाँ पर जो बुक से पहले ए लगा है ये आर्टिकल गलत है, आर्टिकल यहाँ पे गलत क्यों है, क्योंकि हमने क्या कहा कि बुक का एक पेज, और वो बुक अपने आप में स्पेशल हो सकती है, ठीक है, वो बुक अपने आप में स्पेशल है, वो आपकी जो है इनडेफिनेट नहीं है। क्यों स्पेशल है, क्योंकि उस पुस्तक में से किसी एक पेज का जिक्र किया गया है। अगर आपको सिर्फ इतना गिवन होता कि आई हैव बुक, तो आप उसमें ए वहाँ पर फिल कर सकते थे, वो सही है। बड़े ध्यान से देखना, देखो ये हमने बात समझ ली कि भाई बुक है, उससे पहले आपका इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा, यहाँ पर ये गलत हुआ। सेकंड पे चलते हैं, अ बुक ऑफ द पेज, कि जो बुक है उसके सामने हमने देखा कि वो डेफिनेट है, उसके सामने दी प्लेस करना बिल्कुल ठीक है, और उस बुक में से कोई एक पेज वो भी अपने आप में क्या हुआ, ठीक हुआ, तो ये सेकेंड वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। बात करते हैं थर्ड की, द पेज ऑफ द बुक, बुक के बारे में हमने देखा कि भाई बुक से पहले दी लगेगा, ये बात ठीक है, कब, जब उसका जिक्र होगा, उससे पहले कोई ना कोई उसके बारे में कोई ना कोई जिक्र है कि भाई उस बुक का कोई पेज गिवन है, या उस बुक में से कोई स्टेटमेंट गिवन है, या क्या कुछ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर दी लगे। अब बात करें द पेज, देखो
द कब लगता है? जब कोई भी नाउन हमें स्पेसिफिक बनाना होता है, स्पेशल बनाना होता है, डेफिनेट बनाना होता है। लेकिन किसी भी बुक में सिर्फ एक पेज स्पेशल नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी गिवन बुक में कोई एक पेज स्पेशल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल लगाना गलत होगा और ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी, ठीक है। आगे बात करें द पेजेस ऑफ द बुक, बुक से पहले दी लगाना अपने आप में बिल्कुल सही है, ठीक है। और हमने जाना कि बुक का कोई एक पेज स्पेशल नहीं होता, लेकिन सारे के सारे पेजेस तो स्पेशल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पेजेस से पहले दी आर्टिकल लगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? आगे देखते हैं, स्मिथ इज यूरोपियन सिंगर, वही वर्ड है कि यूरोपियन, दिखने में तो ई दिखाई दे रहा है, दिखने में तो वाउल लेटर से इसकी स्टार्टिंग है, बिगनिंग है, लेकिन इसकी जो साउंड प्रोड्यूस हुई है वो हुई है क्या? यस से। और ये आने के कारण इसमें हुआ स्मिथ इज ए यूरोपियन सिंगर। अगर यहाँ यूरोपियन ना देखे, अगर यहाँ पर आपको यूरोपियन ना देखे, आप कहोगे यूरोपियन के ही ज़्यादा हो गए, तो भाई यूरोपियन ना देखे, अगर यहाँ पर इंडियन दे देते, अगर यहाँ पर इंडियन गिवन होता तो ये ई से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले हम करते यहाँ पे एन। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा रूल क्या कहता है कि जहाँ पर भी हमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन गिवन होता है, जहाँ पर भी विषमयादी बोधक चिन्ह गिवन होता है, तो ऐसे केस में वर्ड के बाद ए लगता है, ठीक है। वर्ड के बाद ए लगता है, कैसे? कि वर्ड ए ग्रांड बिल्डिंग, कि बिल्डिंग कितनी ग्रांड है, सरप्राइज होकर कोई बंदा इसको कह रहा है। जब हम इसको सिंपल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या कहेंगे कि इट इज़ ए ग्रांड बिल्डिंग, ठीक है। आगे देखो, सेवेंथ भी ऐसा ही है कि जब हमें साइन मिलता है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ठीक है, विषमयादी बोधक, तो हम क्या करेंगे कि बताया गया है ब्यूटीफुल फ्लावर, कि कितना सुंदर फूल, और फूल क्या है, एक सिंगुलर हो गया। चलो जी, आगे आपका जो रूल है, देखो हम इस एक्सरसाइज में, ठीक है, इस गिवन एक्सरसाइज में बहुत सारे रूल्स डिस्कस करने वाले, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि रूल नंबर 5 ये है, रूल नंबर 6 ये है, और इसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल, नहीं। वो एक ओल्ड तरीका है, वो एक पुराना तरीका है चीज़ों को समझने का। अब हमें समझना है उसका कंपेयर करके, ठीक है। अब हमें रूल्स निकालने हैं गिवन सेंटेंस से, ठीक है। अगला अपना जो रूल है वो क्या कहता है, जो नॉट टेल लाई, ठीक है। यहाँ पर एक रूल बनता है और रूल ये कहता है भाई कि जब कभी भी आपको फ्रेज गिवन होता है, ऐसे कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनमें आर्टिकल का यूज़ होता है, ठीक है, कि फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक ग्रुप हो लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, सिर्फ एक सेंस बता देता है। क्या कहा कि टेल ए लाई अपने आप में क्या है, एक फ्रेज है, झूठ बोलना। दूसरी एक बात कहें कि लाई अपने आप में क्या हुई, लाई जो है दिखने में तो अपने आप में क्या हुई, वर्ब दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है, नाउन का। यहाँ पे फंक्शन क्या है, नाउन का, कैसे, कि क्या नहीं बोलना है, लाई नहीं बोलनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ए। ऐसा ही अगर एक और एग्जाम्पल देखें, तो अगर एग्जाम्पल कहें कि आई वॉन्ट और आपका दे रखा है ड्रिंक, ठीक है, कि मुझे चाहिए क्या, ड्रिंक। अब ड्रिंक दिखने में तो आपकी एक वर्ब है, दिखने में तो आपको क्या दिखाई दे रही है, एक वर्ब दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब नहीं, एक नाउन है। ये यहाँ पर क्या है, एक नाउन इक्विवेलेंट है, ठीक है, नाउन इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि दिखने में तो नाउन नहीं है, लेकिन इसका फंक्शन एज ए नाउन यहाँ पर यूज़ किया गया है। मीन्स आई वॉन्ट वर्ड, आई वॉन्ट ड्रिंक, वर्ड का आंसर ड्रिंक ने दिया, तो इसके लिए हम लगा देंगे ए, आई वॉन्ट ए ड्रिंक, ठीक है। अगला देखते हैं, मैन इज मॉर्टल, ये एक ऐसा भाई एग्जाम्पल है जो हम बिल्कुल रटे पड़े हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मैन वो मैन के सामने कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन क्यों नहीं लगता, उसका भी तो रीज़न है। और उसका कारण जब हमने समझा तो ये समझा कि जब भी आपकी स्टेटमेंट में कोई यूनिवर्सल फैक्ट गिवन होता है, कि भाई वो जो बात करें यूनिवर्सल की, ऐसा तो भाई प्राकृतिक रूप से होता ही है, तो वहाँ आर्टिकल नहीं लगता, वरना मैन के सामने ए भी लगता है, मैन के सामने दी भी लगता है। और ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। देखो कैसे, कि हमारा जो एग्जांपल आया मैन इज मॉर्टल, कि मॉर्टल है, मॉर्टल यानी कि जो नश्वर है, ठीक है। अब मैन लिविंग है,
तो लिविंग चीज़ें डेड हो जाया करती हैं, ये तो हम सबको पता ही है। अगर यहाँ मैन की जगह पे काउ गिवन होता ना, अगर यहाँ मैन की जगह पे काउ गिवन होता तो भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं लगता। तो मैन के सामने कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, इसलिए नहीं कि मैन सुपीरियर है, ठीक है, बल्कि इसीलिए कि भाई मैन क्या है, मॉर्टल गिवन है, कि मॉर्टल दे रखा है, तो मॉर्टल काउ भी तो मॉर्टल है। इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको प्राकृतिक नज़रिए से ही देखें। आगे बात करें नंबर 10 की, देखो शी इज़ वेरी गुड सिंगर। देखो बात करें नंबर 10, नंबर 11 और नंबर 12, तीनों ही आपको एक रूल बताएंगे और तीनों ही अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। कैसे? शी इज़ वेरी गुड सिंगर, सी इज़ वेरी गुड सिंगर। सबसे पहले कोई भी गिवन सेंटेंस है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हमने उसमें से नाउन फाइंड आउट करना है। हमने पता लगाया कि भाई इसमें जो सिंगर है ना वो एक नाउन है, ठीक है। नाउन से पहले जो भी वर्ड आके उसको क्वालिफाई कर जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? और एडजेक्टिव से पहले जो भी वर्ड आता है उसको क्या कहते हैं, हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है, कि भाई कितना गुड, भाई वेरी गुड, बहुत गुड। तो यहाँ पर जो हम लगाएंगे ए, सी इज ए वेरी गुड सिंगर, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि सिंगर की वजह से ए आया है, आया तो इसी की वजह से, लेकिन हमें क्या है बोलकर सिंगल एस से साउंड से नहीं आया बल्कि वे साउंड से यहाँ पर इसमें ए का यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बनता है प्लेस ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल कहाँ प्लेस हो सकता है। आगे बात करें नंबर 11 की, नंबर 11 देखो डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर 12, क्यों डिस्कस करेंगे देखते हैं। शी इज़ बेस्ट सिंगर इन आवर क्लास, सी इज़ बेस्ट सिंगर इन आवर क्लास, कि वो हमारी क्लास में सबसे बेस्ट सिंगर है, सबसे अच्छी सिंगिंग करती है। और इसमें हमारा रूल ये कहता है कि जब भी आपके सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री गिवन हो, जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गिवन होती है तो उससे पहले हमें लगाना होता है दी। कब? जब उसका कंपेयर कर रखा होता है पूरी क्लास में कि वो सबसे सुपरलेटिव डिग्री हो गया, हमने लगा दिया दी और ये सेंटेंस अपने आप में हमारा हुआ बिल्कुल सही, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर 11 को, और 11 क्या कहता है, से इज़ बेस्ट सिंगर, ये भी अपने आप में सही है, हमें आर्टिकल लगाना है बस। आर्टिकल क्या लगाएंगे कि सिंगर और सिंगर कैसी बेस्ट, सिंगर और सिंगर कैसी बेस्ट, तो सिंगर अपने आप में हुआ नाउन, नाउन से पहले आया तो भाई ये हुआ एडजेक्टिव, और यहाँ पे हमने प्लेस किया ए क्योंकि यहाँ पे इसके साउंड क्या है, बे, इसकी साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड, इसकी साउंड कैसी है, व्यंजन की ध्वनि है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर प्लेस किया ए। अब कुछ एक बच्चों के माइंड में ना एक बात अराइज होती होगी, एक बात, एक क्वेश्चन जो है खटकता होगा कि यहाँ पर हमने बेस्ट में दी लगाया है, ठीक है, और यहाँ वाले बेस्ट में हमने ए क्यों लगाया है। तो भाई जो एग्ज़ाम में गिवन है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, एग्ज़ाम में जैसे गिवन है हमें उसको वैसे ही सोल्व करना है, ये यहाँ पर सिर्फ पजल करने के लिए दे रखा है, आप बिल्कुल पजल ना हो। यहाँ पे ये बेस्ट क्यों अलग है, क्योंकि शी का कंपेयर कर रखा है पूरी क्लास से, वो पूरी क्लास में बेस्ट है इसीलिए यहाँ पर दी आया है, और ऊपर वाला जो बेस्ट है वो अपने आप में जो सिंगर है, एक लड़की जो एक अच्छी सिंगर है उसी की क्वालिटी बता रखी है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है भाई नंबर 11 वाला। अगला देखते हैं नंबर 13, नंबर 13 वाला जो क्वेश्चन है ये दो जगह पे आता है, एक कब आता है जब हम जिक्र करते हैं आर्टिकल का, और सेकंड आता है जब जिक्र होता है कॉनकॉर्ड का। कॉनकॉर्ड मीन्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब की एग्रीमेंट की, कि कैसे सब्जेक्ट में कैसी वर्ब होगी और कैसे वर्ब के साथ कैसा सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, सिंगुलर है या प्लूरल है, इनमें दो ही बातें निकल के आती हैं, या तो चीज़ें सिंगुलर होंगी, ठीक है, और या फिर चीज़ें प्लूरल होंगी, देखते हैं कैसे। आर्टिकल के केस में देखें, ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ तक अगर हम देखें तो हमें नहीं पता, अगर ब्लैक एंड वाइट काउ तक देखें तो हमें नहीं पता कि काउ एक है या काउ दो हैं, कि एक ही काउ के ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर हैं, या फिर ब्लैक कलर की अलग से काउ है और वाइट कलर की अलग से, पता चलता है इज से, पता कहाँ से चलता है, इज से। इज क्या है, आपकी सिंगुलर वर्ब हुई, सिंगुलर वर्ब हुई तो सिंगुलर हम उसका सब्जेक्ट लगाएंगे,
ठीक है, कैसे कि यहाँ पर हम प्लेस करेंगे ए, जहाँ पर भी बात होती है सिर्फ एक की तो उसमें जो उसकी जो फर्स्ट क्वालिटी गिवन होती है उसके सामने ही हम आर्टिकल लगाएंगे, उसकी जो बाकी चाहे कितने भी उसकी क्वालिटी गिवन हो सबके सामने आर्टिकल नहीं लगाते हैं। कैसे कि हमने यहाँ पे बै साउंड प्रोड्यूस की, बै साउंड से बोलना शुरू किया तो ए आ गया, ए ब्लैक एंज, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि काउ हमारी एक है, गाय हमारी सिर्फ एक गिवन है। अगला देखो, ब्लैक एंड वाइट काउ, यहाँ तक तो सेम है 13 और 14। आगे गिवन है आर, आर का हमें समझ आया कि आर लगता है जब चीज़ें दो होती है या चीज़ें हम कहें एक से ज़्यादा होती है, मोर देन वन, प्लूरल इन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जब आर लगा है तो दो अलग अलग काउज हैं, एक आपकी ब्लैक काउ है और एक आपकी वाइट काउ है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग ही आर्टिकल यूज़ होंगे, तो हम ब्लैक में फील करेंगे ए और वाइट में करेंगे हम यहाँ पर भी ए, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ ब्लैक के बाद काउ क्यों नहीं लिखा, नहीं एग्जामिनर की मर्जी है, नहीं लिखेगा, अंडरस्टूड हो जाता है कि काउ जब यहाँ है तो काउ यहाँ भी है, कि ए ब्लैक काउ एंड ए वाइट काउ, काउ इसलिए नहीं दे रखा ताकि आप यहाँ पर पजल हो जाए, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है 15, ये आपका एरर फाइंडिंग करना है। कैसे? ए कवर ऑफ द बुक, अब बुक के बारे में हमारी बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि बुक से पहले दी आएगा, हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, लेकिन अब कन्फ्यूज़न है कि कवर से पहले क्या ए आएगा, कवर से पहले क्या ए आएगा। तो भाई बिल्कुल क्लियर बात है कि कवर से पहले ए लगाना अपने आप में गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो भी बुक आपको गिवन होती है उसमें बहुत सारी नंबरिंग नहीं होती कवर की। जब भी बात की जाती है किसी बुक के कवर की, जब भी बात होती है किसी बुक के कवर की, तो वो अपने आप में कैसा होता है? अपने आप में फिक्स होता है, अपने आप में स्पेशल होता है, और वो स्पेशल होता है इसीलिए वहाँ पर हम आर्टिकल प्लेस करेंगे द। आर्टिकल क्या लगाएंगे? द। तो इसका जो सही है वो बनेगा द कवर ऑफ द बुक। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर आपका रूल कहता है क्या, देखो, वंस देयर वॉज किंग, एक बार क्या था, राजा, किंग हैड डॉटर, राजा की बेटी, प्रिंसेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल। अब इसमें आपका रूल ये कहता है कि जब भी हम किसी नाउन का इंट्रोडक्टरी यूज़ करते हैं, मीन्स जब भी हम किसी नाउन को फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो उसमें आर्टिकल इंडेफिनिट लगता है, ठीक है। यानी कि जब पहली बार कोई नाउन किसी वाक्य में या बहुत सारे वाक्यों में प्रयोग होता है, यूज़ होता है, तो हम उसके लिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हमें ज़्यादा गिवन नहीं होता है, क्योंकि उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता होता है। क्या, कैसे, क्यों? आगे देखो, वंस देयर वॉज किंग, हमें पहली बार दिखाई दिया है कि किंग कैसा है, कोई किंग है, एक बार कोई राजा था। हम ये नहीं कहेंगे कि एक बार एक राजा था, एक बार कोई राजा था, ठीक है। आगे हम देखते हैं, किंग हैड डॉटर, कौन से राजा की डॉटर थी, जो किंग हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं, जिस किंग के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या करेंगे कि द किंग हैड डॉटर, डॉटर हमारा नाउन आया है और नाउन ये फर्स्ट टाइम आया है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ए। क्या प्लेस करेंगे यहाँ पर? ए आर्टिकल प्लेस करेंगे। आगे देखो, आगे गिवन है प्रिंसेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब कुछ एक मानेंगे कि भाई प्रिंसेस दिया है, वहाँ डॉटर दिया है, तो दो अलग अलग बातें, दो बातें नहीं, बातें सिर्फ एक ही बात है। और बात क्या कहती है? बात ये कहती है कि जो किंग की डॉटर होती है, जो राजा की बेटी होती है, वो प्रिंसेस ही होती है, वो राजकुमारी ही होती है, और राजकुमारी के कारण हमने यहाँ लगाया दी, क्योंकि हम इस डॉटर का जिक्र पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारी आज की क्लास में, हमने देखा कि आर्टिकल होता क्या है और क्यों होता है, डिटरमिनर क्यों होता है, एडजेक्टिव क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो, क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं होती। क्वालिटी तो ये बताता है, नाउन में कुछ ऐड तो करता है, लेकिन इसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं होती, सेपरेट इसका मीनिंग नहीं होता, तो इसलिए एडजेक्टिव नहीं है। आगे हमने पढ़ा हर एक चीज़ को बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ा, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने वो डिस्क्राइब किए। पूरा का पूरा टॉपिक एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अगले जो वीडियो रहेगी हम उसमें डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं।
मीन्स कैसे कि जो भी हमारे हिस्टोरिकल इवेंट है, जो भी हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उनको एक जगह पढ़ने वाले हैं, समझेंगे, पॉलिटिकल इश्यूज़ अलग से लेंगे, ठीक है। बात करते हैं कि कहीं पर भी जैसे मैन के बारे में हमारे बहुत सारे जो है कन्फ्यूज़न हो जाया करती है, वो भी एक जगह पढ़ेंगे। मीन्स ऐसे अलग अलग करके हम सेपरेटली हर कैटेगरी को डिस्क्राइब करेंगे एक अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और जिनको तरीका थोड़ा सा अलग लगा है वो वीडियो को कम से कम 2-3 बार ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।